हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में, जो मरीन एंड मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स है। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, और इनका जो स्पेशल फीचर है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनल सिस्टम। और ये जो है इंटरनल हर्माफ्रोडाइट रहते हैं, इसका मतलब मेल और फीमेल जो रहेंगे ना, वो मतलब एक ही इंडिविजुअल के बॉडी में रहेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो भी लार्वा है उसको बॉडी के अंदर फर्टिलाइज किया जाएगा, उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट जो रहेगा इनडायरेक्टली, मतलब लार्वा जो रहेगा वो एडल्ट से बिल्कुल सिमिलर नहीं रहेगा, ठीक है। और अभी हम इसके कुछ खास पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे ये जो है ना पाइलम फोरीफेरा में ऐसा बोलते हैं कि मतलब जो है ना फूड वगैरह जो आता है वो ऑस्टिया से आता है, फिर वो स्पॉन्जियोसील में आता है। जो सेंट्रल बॉडी कैविटी है, स्पॉन्जियोसील क्या है, सेंट्रल बॉडी कैविटी है। और फिर उसके बाद वो ऑस्कुलम से जाता है, और फिर वो उसके बाद ऑस्कुलम से जाता है बराबर। उसके बाद ये किधर से जाएगा, ऑस्कुलम से जाता है ना। और ये जो रहते हैं, ये जो कोएनोकाइटिक और जो कॉलर सेल्स रहेंगे, वो इधर ऐसे लाइनिंग बनाते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं वो कोएनोकाइटिक और कॉलर सेल्स, जो इधर की लाइनिंग बनाएंगे। और यहाँ से जहाँ से ये जो माइन्यूट पोर है यहाँ पे, यहाँ से फूड आता है, फिर वो बॉडी कैविटी में जाकर ऑस्कुलम से निकल जाता है। और जहाँ तक कि इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर ये असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मतलब ये जो है ये किससे करेंगे, फ्रैगमेंट से करेंगे। मतलब ये क्या होगा, जैसे ये स्पॉन्ज है तो ये टुकड़ों में बट जाता है, कट इंटू पीसेस ऑफ स्पॉन्ज। फिर ये जो एक जो टुकड़ा रहता है ना, फिर एक 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 टुकड़ा, जितने भी टुकड़े में वो डिवाइड हुआ है स्पॉन्ज, उतने टुकड़े से एक क्या बोलते हैं, एक नया मतलब न्यू बॉर्न जो रहता है वो बनता है, न्यू बॉर्न जो बनता है। और जहाँ तक कि अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये लोग कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।